हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ऑन द रॉक्स। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जिसके बारे में ज्यादातर विस्की मेकर्स बात करना पसंद नहीं करते, और वो है मोलेसिस। अब जो मोलेसिस है, जब हम गन्ने को शुगर में कन्वर्ट करते हैं तो जो उसका लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है उसे मोलेसिस बोला जाता है। ये एक तरह की न्यूट्रल स्पिरिट होती है, जैसे कि वोडका। अब जो विस्की मेकर्स हैं उन्हें इसकी कॉस्ट अगर हम कंपेयर करें माल्ट और ग्रेन से तो करीब करीब ना के बराबर पड़ती है, तो वो इस प्रोडक्ट को लेके इसमें 10-20% माल्ट और ग्रेन विस्की को उसी तरीके से बनाते हैं जैसे कि एक विस्की को मैच्योर किया जाता है। तो इसी वजह से लो बजट वाली विस्कीज इतनी सस्ती में तैयार हो जाती है। अब जो रम है ये भी मोलेसिस से ही बनाई जाती है, इसीलिए अच्छी से अच्छी रम भी बहुत ही नॉमिनल प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। तो आज हम जिस विस्की का रिव्यू करने वाले हैं वो है रॉयल स्टैग। ये भी एक लो बजट विस्की है, पर इसकी विस्की मेकर्स ने भी ऐसा कहीं नहीं लिखा इस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या वो इसमें मोलेसिस यूज करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी बॉटल की, तो इसकी बॉटल का होल्ड बहुत ही खूबसूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जैसे कि कोई ट्रॉफी, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है उसकी ट्रॉफी से मिलती जुलती ये बॉटल है। तो डिजाइन इनकी बॉटल का बहुत ही खूबसूरत है। अब इस प्रोडक्ट को बनाते हैं पर्नर्ड रिकॉर्ड कंपनी, और ये 1995 में इंडिया में लॉन्च किया गया। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। सबसे पहले हम करते हैं इसकी नोजिंग, फिर हम करते हैं टेस्टिंग, और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या ये विस्की हमारे बार में अपनी जगह बनाती है कि नहीं। नोस पीना बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का भक्का है। मुझे कहीं ना कहीं वुड तो फील हो रहा है, बाकी और कुछ भी मैं इसमें स्मेल नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि जो इसका अल्कोहल का पंच है वो इतना प्रोमिनेंट है कि बाकी सारी स्मेल्स को उसने दबा दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी टेस्टिंग और आपको बताते हैं कि क्या ये विस्की हमारे पैलेट पे कुछ कमाल कर पाती है कि नहीं। अब मैं आपको पैलेट्स के नोट से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। जैसे ही मैंने इस विस्की का सिप लिया मुझे एक गाना याद आ गया, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग है। तो भाई सच में इस विस्की का सिप ले लो, बीड़ी ऑटोमेटिकली जल जाएगी। बहुत स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया अल्कोहल का पंच बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ वुड और हल्का सा स्मोक मुझे इसके टेल में मिला, बाकी अगर हम इसे नीट पीते हैं तो ये गले पे हार्श है। हाँ, अगर हम इसे डाइल्यूट करके पानी, सोडा या कोक के साथ पीते हैं तो ये उतनी हार्श नहीं रहती। तो अब हम बात करते हैं क्या ये विस्की हमारे बार में अपनी जगह बनाती है। अगर हम कंसीडर करें इसका प्राइस, तो ये विस्की दिल्ली के अंदर अवेलेबल है अंडर 500 रुपीज। तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरा विस्की पीने का, मैं अब इस विस्की को एंजॉय करूंगा, क्योंकि मेरे वो दिन लग गए। हाँ, जब हम जॉब करते थे विस्की पीने के अंदर बहुत कीड़े उछलते थे, तो हम इस विस्की को खरीदते थे, लाते थे, पर शायद अब मैं और मेरी विस्की पीने की हैबिट काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। तो ये बॉटल हमारे बार में अपनी जगह नहीं बनाती। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे बताएं कि आप और कौन से प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं उन प्रोडक्ट्स को लेके आऊं, आप लोगों के साथ एक फेयर रिव्यू शेयर करूं। तो टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू।